हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ सुष्मिता और मेरे चैनल सुष्मिता स्टाइल्स पर आपका स्वागत है। आज मैं द गुड वाइब्स बनाना शैम्पू का रिव्यू करने जा रही हूँ। रिव्यू शुरू करने के पहले मैं आपको अपने बालों के टाइप के बारे में बताना चाहूंगी। मेरे बाल ड्राई हैं और अगर उन्हें ठीक से कंडीशन ना किया जाए तो नीचे की तरफ से वो काफी फ्रिजी हो जाते हैं, उनमें गांठें पड़ती हैं और वो उलझ के टूटते हैं। बालों की डीप कंडीशनिंग के लिए मैं पके हुए केलों का पैक यूज करती रही हूँ, इससे वे काफी सॉफ्ट हो जाते हैं। मेरे हेयर केयर रूटीन वीडियो में भी मैंने इस पैक के बारे में बात की है, आप वो वीडियो जरूर देखें, लिंक ऊपर स्क्रीन पर दिया गया है। हालांकि अगर आप बिजी हैं और ज्यादा टाइम नहीं दे सकते तो हर बार हेयर पैक लगाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इस पैक के अलावा बालों को सॉफ्ट और मैनेजेबल रखने के लिए केले का शैम्पू यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये साधारण शैम्पू से काफी माइल्ड यानी कि सौम्य होता है। पहले मैं सिर्फ द बॉडी शॉप बनाना शैम्पू के बारे में जानती थी और उसे मैंने काफी समय तक यूज किया। ये एक माइल्ड शैम्पू है और बालों को वॉल्यूम देने के लिए बनाया गया है। हालांकि इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत महंगा है। इसकी 250 ml बॉटल की कीमत 645 रुपए है। खास तौर पर अगर आपके बाल लंबे हैं तो ये बहुत दिनों तक नहीं चलता, क्योंकि माइल्ड होने की वजह से इसकी ज्यादा मात्रा इस्तेमाल होती है। तो मुझे इस प्रोडक्ट का अच्छा और सस्ता विकल्प मिला है द गुड वाइब्स बनाना शैम्पू में। तो आइए जानते हैं कि इस शैम्पू के साथ मेरा अनुभव कैसा रहा। द गुड वाइब्स बनाना शाइन शैम्पू इस तरह की सुविधाजनक पैकेजिंग में आता है। इसका पंप डिस्पेंसर न सिर्फ हाइजीनिक है बल्कि शैम्पू की बाहर आने वाली मात्रा को कंट्रोल करता है। द गुड वाइब्स बनाना शैम्पू के 120 ml की बॉटल की कीमत 165 रुपए है। जहाँ तक रंग, गाढ़ापन और खुशबू की बात है, ये दिखने में एकदम बनाना शेक के जैसा है। अगर आपको केला पसंद है तो इसकी खुशबू आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मीठे पके हुए केले के जैसी है। मैंने इसे थोड़ी सी मात्रा में लेकर भीगे हुए बालों पर लगाया। बालों में तेल लगा होने के बावजूद भी ये अच्छे से फैल रहा है। हालांकि साधारण शैम्पूस की तरह ये स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना ही बालों को एकदम ड्राई कर रहा है। इसकी खुशबू बालों को धोने के बाद चली जाएगी। शैम्पू के बाद मैंने इसी रेंज का कंडीशनर यूज किया, जो बालों को और भी सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाने के लिए है। इस शैम्पू और कंडीशनर से मेरे बालों का फ्रिज और रूखापन कम हुआ, साथ ही उनकी चमक भी बढ़ गई। इन दोनों प्रोडक्ट्स की तुलना की जाए तो क्वालिटी में कुछ खास फर्क नहीं है, हालांकि प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि ये दोनों माइल्ड शैम्पूस हैं, इसलिए रिजल्ट्स में भी कुछ खास अंतर नहीं है। तो ये था मेरा रिव्यू द गुड वाइब्स बनाना शाइन शैम्पू का। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो अपने मित्रों और परिवार में शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।